दोस्तों, हनुमान जी के अलावा बहुत कम लोगों को ही भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों का सानिध्य मिला है। उनमें से एक हैं जामवंत जी। जामवंत जी की आयु का अनुमान लगा पाना लगभग असंभव था, क्योंकि उनका जन्म समय के बनने से पहले ही ब्रह्मा जी द्वारा हो गया था। त्रेता युग के आते आते भले ही वो बूढ़े हो चले थे, लेकिन अपनी युवावस्था में वो हनुमान जी के बराबर बलशाली थे। भागवत पुराण के अनुसार उनमें 1 करोड़ शेरों की ताकत थी और उनके शरीर का आकार कुंभकर्ण से तनिक मात्र ही कम था। आप उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि जब समुद्र मंथन में देव और दैत्य थक गए थे, तो उन्होंने अपने अकेले दम पर पूरे मंदराचल पर्वत को अपने बल से घुमा दिया था। रामायण में रावण से युद्ध के समय जब उन्होंने रावण के सीने पर एक लात मारी तो वो मूर्छित हो गया था, और जब मेघनाद ने उन पर त्रिशूल से प्रहार किया तो उन्होंने त्रिशूल को हवा में ही जकड़कर मेघनाद को लंका वापस फेंक दिया था। इसीलिए रामायण के अंत में जब श्री राम जी को लगा कि जामवंत में शक्ति का अहंकार आ गया है, तो उन्होंने द्वापर युग में श्री कृष्ण जी का अवतार लेके उनका अहंकार तोड़ने के लिए उनसे युद्ध किया था। जामवंत जी अपनी वृद्धावस्था में होने के बावजूद श्री कृष्ण जी के सामने 3 हफ्तों से भी ज्यादा टिक गए थे। दोस्तों, सनातन धर्म की